बीडी अजमेर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो जैसा कि मैं DFCCL के बारे में आप लोगों को बता रहा था, कई सारी वीडियो मैंने बताई है और जिसमें हमने स्टेशन का टूर किया है, जिसमें एक इंटरव्यू सेशन हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एग्ज़ाम को हम लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो वो सारी वीडियो आप ज़रूर देखना इस चैनल पर। तो आज बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो मेडिकल होता है DFCCIL में, एग्जीक्यूटिव OP एंड BD में, उसके बारे में कुछ स्टूडेंट जानना चाहते थे कि कैसे मेडिकल होता है। बहुत सुनने में आता है कि जो रेलवे का मेडिकल होता है थोड़ा टफ होता है, तो ये तो मैं भी कहना चाहूँगा कि जो रेलवे का जो मेडिकल होता है वो डिफेंस के बाद जो सेकेंड टॉप और जो टफ मेडिकल माना जाता है। तो और जिसमें ये जो एग्जीक्यूटिव OP एंड BD की पोस्ट है, जो कि ऑपरेटिंग की पोस्ट है, इसका मेडिकल थोड़ा ज़्यादा टफ होता है एज़ कंपैरिजन टू जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो SNT के हों, चाहे सिविल के हों और चाहे इलेक्ट्रिकल के हों। उनका जो मेडिकल क्राइटेरिया है आप लोगों ने देखा होगा, A3 कैटेगरी का होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव OP एंड BD और जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का जो मेडिकल क्राइटेरिया होता है वो A2 कैटेगरी का होता है। तो A2 कैटेगरी, इसमें जैसे जैसे कैटेगरी ऊपर जाती है वैसे वैसे जो मेडिकल की जो टफनेस है वो बढ़ती रहती है। काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं रेलवे वाले मेडिकल से रिलेटेड। तो जैसे लोको पायलट होता है, लोको पायलट जो होते हैं उनका A1 क्राइटेरिया होता है, फिर जो ऑपरेटिंग के जो SM होते हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका जो A2 क्राइटेरिया होता है, देन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनका A3 क्राइटेरिया होता है। इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया रेलवे में डिवाइडेड होते हैं। तो आज हम जो स्पेशली बात करेंगे वो एग्जीक्यूटिव OP एंड BD और जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का जो मेडिकल क्राइटेरिया है A2 का, उस पर आज हम लोग बात करेंगे कि जब मैं DFCCIL में मेडिकल देने गया था तो उन्होंने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए। बहुत लोग ये पूछते हैं कि DFCCIL में या रेलवे में जो मेडिकल होता है उसमें जुगाड़ चलते हैं या नहीं चलते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताने की नहीं होती हैं, तो इसको आप अपने खुद के लेवल पे लोगों से डिस्कस करिए तो आपको इस जो चीज़ का है वो पता चल जाएगा। वैसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो रेलवे और DFCCIL का मेडिकल होता है वो थोड़ा टफ होता है, और जुगाड़ का जैसा कि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, तो आप लोग वो अपने लेवल पर चेक कर लें। अभी तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो बेसिक जो मेडिकल टेस्ट हुए थे उन पे बात करूँगा। तो जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को बुलाया गया था, तो जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए, उसके बाद उसी दिन जब जिनके डॉक्यूमेंट सही मिल रहे थे, वेरीफाई हो जा रहे थे, तो उनको मेडिकल के लिए एक पेज दिया जा रहा था जिसमें उनका जो मेडिकल है उनको कहाँ जाके करवाना है, क्या टाइमिंग रहेगी, ये लिखा होता है। तो जैसा कि हम लोगों के बैच का जो मेडिकल हुआ था वो कैलाश हॉस्पिटल है नोएडा में, तो वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डे गए थे मेडिकल करवाने। तो सबसे पहले मेडिकल में क्या होता है कि जब आप जाएंगे तो आपको आपका जो यूरिन टेस्ट और जो ब्लड टेस्ट है वो होना होता है, जिसमें जो मेन बीमारियां हैं, जैसे कि कोई भी आपको HIV रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और डायबिटीज़ वगैरह है, ये सब चेक किए जाते हैं। ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं ये डिस्क्लोज नहीं किए जाते, जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी एक फाइल बनती है, वो सीधे DFCCIL के हेडक्वार्टर दिल्ली में सबमिट हो जाती है। तो आपसे सिर्फ ब्लड एज ए सैंपल ले लिया जाएगा, यूरिन का सैंपल ले लिया जाएगा, और जो भी जो उनके प्रिस्क्राइब जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि आपको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग जो कि आपकी जान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे मतलब DFCCIL की इन फ्यूचर वर्किंग मतलब उनको दिक्कत हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने से, तो वो सारे टेस्ट वो परफॉर्म करवाते हैं, जैसे HIV वगैरह है और डायबिटीज़ है, और ये सब टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो है सबसे जो मेन टेस्ट होता है आई टेस्ट होता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग की जॉब है और इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपका ये जो सिग्नल्स हैं उनको आपको कंट्रोल करना होता है। तो जो आई टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक आपने सुनी होगी बीमारी कलर ब्लाइंडनेस, जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ये बाद में नहीं होती है। तो एक तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो टेस्ट की जाती है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए जैसा कि एक सैंपल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये एक ऐसे ही जैसे दो कलर के मिक्सचर में एक नंबर लिखा होता है, और इस नंबर को जो जैसे येलो कलर के अंदर ग्रीन नंबर लिखा होगा या ग्रीन के अंदर रेड लिखा होगा या वायलेट कलर का कुछ नंबर लिखा होगा, तो वो नंबर आपको पढ़ना होता है। तो इस तरीके से वो कलर विजन आपका टेस्ट करते हैं कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। और सेकंड नंबर पे जो A2 क्राइटेरिया होता है उसमें जो 6x9 विजन मांगा होता है। 6x9 विजन आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? 6x9 विजन का मतलब होता है 6x9 विदाउट ग्लास। ये आप जान लें कि विदाउट ग्लास 6x9 मांगा जाता है, जिसको हम जनरल टर्म में बोलते हैं कि 0.5 अगर आपकी वीक होती है तो भी आप मतलब इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। 6x9 का यही मतलब होता है। तो 6x9 आप कैसे मतलब चेक करते हैं? जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो इसकी सेकंड लास्ट लाइन है अगर वो आप विदाउट ग्लास पढ़ पा रहे हैं तो मतलब आपका जो विजन है वो 6x9 है, लेकिन ये विदाउट ग्लास आपको सेकंड लास्ट लाइन पढ़नी होती है। तो अगर आप वो पढ़ पा रहे हैं तो आपका विजन 6x9 है। तो फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आपका मेडिकल होना होगा तो उससे पहले एक बार एक प्री मेडिकल आप करवा लीजिएगा। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक प्री मेडिकल आई टेस्ट वगैरह आप करवा लीजिएगा, और सिंपल जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो करवा लीजिएगा, ताकि आपको पहले ही कोई भी अगर छोटी मोटी दिक्कत होती है उसका पता लग जाए। क्योंकि अगर आपको उस टाइम पे अगर कोई दिक्कत उनको पता चलती है आपकी, तो वो लोग आपको 6 महीने या 6 महीने तक का टाइम दे देते हैं री मेडिकल के लिए, कि आपका दोबारा मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा 6 महीने बाद। जैसे कईयों को हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम होती है और दूसरी बीमारियां होती हैं जो कि टेम्परेरी बीमारियां होती हैं, तो वो आप लोगों को टाइम दे देते हैं 6 महीने तक का, फिर आपका री मेडिकल करवाया जाता है और वहाँ पे आपको फिट पाने पे वो आपको ज्वाइन करवा लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो आप जब मेन मेडिकल के लिए जाएंगे रेलवे में या DFCCIL में, तब आप उस प्रॉब्लम को फेस करें और आपको 6 महीने अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट करना पड़े। तो मेरी ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका जब भी मेडिकल आए उससे एक पहले ही एक बार प्री मेडिकल अपना करवा लें जहाँ पर आप रहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैडम बहुत बार मुझे बोलती हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत करती हैं मैडम भी आप लोगों के प्रति, और हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मैं ड्यूटी पे हूँ, और अभी थोड़ा टाइम फ्री मिला है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मेडिकल से रिलेटेड। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी मेहनत का आउटपुट, सब मेहनत का आउटपुट मिलता रहता है तो सबको अच्छा लगता है, चाहे वो आप हों चाहे हम लोग हैं चाहे मैडम हैं। और दूसरी बात, ये सारी जो वीडियो हैं मेडिकल है इंटरव्यू है और स्टेशन टूर है, ये सारी वीडियो तभी आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, तभी आपके लिए लाभदायक होंगी जब आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे, चाहे वो रेलवे हो चाहे DFCCIL हो। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? जितनी भी आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो है उनको एक बार दो बार देखिए, उनके नोट्स बनाइए, खुद हाथ से सॉल्व करिए। ये सब चीज़ें जितनी भी दूसरी वीडियो बनती हैं ये एज ए इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एट लास्ट आपके जो काम आएगी वो सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो ही है, क्योंकि तो जो वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप अपनी जो भी है प्रिपरेशन बहुत अच्छी स्टार्ट करिए। 8 घंटे से कम, मैंने इतनी वीडियो में बोल दिया है, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो 8 घंटे से कम मत पढ़ना।
नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। मीठी बात करने से कुछ नहीं होता, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, थकाना पड़ेगा शरीर को, फॉर्मूलों का की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करंट अफेयर को याद करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए, और तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी एज ए बड़े भाई के नाते मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 8 घंटे से कम मत पढ़ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि आई टेस्ट मैंने बताया कि आई टेस्ट हो जाएगा आपका, देन आपका जो कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो जैसे आइज़ में एक फोकस लाइट होती है मशीन पे आपको बिठाएंगे, जिससे वो चेक करेंगे कि आपकी कोई लेसिक सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है। अगर उनको डाउट होता है तो वो एक आई ड्रॉप होती है, वो आपकी आँखों में डालते हैं, जिससे रेटिना खुल जाता है और जिससे उनको लाइट मारने पर अंदर क्लियर दिखाई देता है कि कोई लेसिक ऑपरेशन हुआ है आप लोगों का या नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उनसे छुपती नहीं हैं, तो आप लोग ये चेक कर लिए। लेसिक अलाउ नहीं होती है रेलवे में, जो लेज़र सर्जरी करते हैं रेटिना का फोकस सेट करने के लिए, तो वो अलाउ नहीं होता है। उसके बाद जब आपका जो आई टेस्ट है वो हो जाएगा, उसके बाद आपका जो ईयर टेस्ट है वो होगा। ईयर टेस्ट कैसे होता है कि आप लोगों को पहले वो नॉर्मल लाइट के साथ, जो डॉक्टर होते हैं वो नॉर्मल लाइट के साथ आपके कानों को चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी जो कानों का पर्दा है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कोई छेद वेद तो नहीं है। तो ये उनको बहुत अच्छे से डॉक्टर को पता है कि कैसे चेक किया जाता है। तो मैं तो सिर्फ आपको जनरल वे में बता रहा हूँ कि वो कानों का टेस्ट करेंगे, पर्दा वर्दा आपका सही है कान का वो चेक करेंगे। फिर एक उनके पास उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, चिमटे जैसा होता है वो, तो उसको बजाते हैं आँख बंद करवा के, एक तरफ, दूसरी तरफ, पीछे की तरफ, सेंटर की तरफ, नाक के ऊपर, और पूछते हैं कि ये साउंड उनको कहाँ से सुनाई, आपको कहाँ से सुनाई दे रहा है। तो वो आपको जो भी आपको फील हो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ता है कि आपको लेफ्ट साइड में का आवाज़ सुनाई दे रही है या राइट साइड में सुनाई दे रही है या सेंटर में सुनाई दे रही है। तो इस तरीके से आपके कानों का टेस्ट होता है। देन आँखों का टेस्ट हो गया, कानों का टेस्ट हो गया, उसके बाद आपके जो चेस्ट है उसका एक्सरे करवाया जाता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि आपकी चेस्ट में कोई स्कार तो नहीं है, कोई मतलब जो बचपन की चोट होती है चेस्ट पे, अंदरूनी कोई चोट वोट तो नहीं है, आपके लंग्स प्रॉपर सही हैं। तो ये सब चीज़ें वो लोग टेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद आप लोगों का जैसे एक्सरे हो जाएगा, ये सब रिपोर्ट आपको नहीं दी जाएंगी। उसके बाद हम लोगों को जो भेजा गया था, जैसे हाइड्रोक्सील होता है या पाइल्स होते हैं, ये सब टेस्ट होते हैं, वो आपको बोलेंगे चलने के लिए, और डॉक्टर लोग देख लेते हैं कि इस जो कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, वो उन्हीं को चेक करते हैं जो उनको जनरली फिट मिलते हैं। तो वो DFCCIL में इतना ज़्यादा उस चीज़ पे हाइड्रोक्सील और इस चीज़ का टेस्ट नहीं किया जाता। तो बेसिक अगर जिनको जिन पे जिन कैंडिडेट पर उनको डाउट होगा तो वो लोग उनका टेस्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद आपकी हाइट, वेट, ये जो बेसिक टेस्ट होते हैं ये सब मेजर किया जाएगा, BMI इंडेक्स पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं, और तो कुछ जो स्पेशली जो मेन टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, और ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। तो ये सब चीज़ें आपकी टेस्ट होती हैं, क्योंकि देखो मेडिकल एक तो जो होता है वो ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए, आपको ऑपरेटिंग का काम करना होता है, रिस्की काम करना होता है, तो कोई भी जो रिस्क रेलवे या DFCCIL लेना नहीं चाहती, तो ये सब एक बेसिक टेस्ट जो ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का मेडिकल होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, और नहीं भी है तो भी आप एक प्री मेडिकल ज़रूर करवा लीजिएगा DFCCIL के मेडिकल में जाने से पहले, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपको पहले ही डिटेक्ट हो जाए, और उसके बाद डिटेक्ट होने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप फुली फिट होकर DFCCIL या रेलवे के इंटरव्यू में जाएं। तो जो रेलवे का जो मेडिकल होता है वो टफ होता है, मैं पहले बता रहा हूँ,
रेलवे का मेडिकल टफ होता है, DFCCL का भी मेडिकल टफ होता है, आपको फुली फिट पाने पर ही ज्वाइन करवाया जाएगा। जब भी आपका मेडिकल हो जाएगा तो मेडिकल होने के बाद जब रिपोर्ट जो हॉस्पिटल वाले हैं आपकी दिल्ली हेडक्वार्टर DFCCIL में या जो भी रेलवे का हेडक्वार्टर है वहाँ पर सबमिट हो जाएगी, और जब वो मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल फिट होगी तो आपको एक मेल आएगा कि आप मेडिकली फिट पाए गए हैं और आपको इस डेट पे आके ज्वाइन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी सिलेक्टेड होंगे वो मेडिकली फिट भी रेलवे में होंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे। ये मेरी भगवान से दुआ है आप लोगों के लिए, आप जल्दी सिलेक्शन ले और जल्दी से प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करें, एक अच्छी हैंडसम सैलरी लें। तो इसी जो दुआ के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। अगर मेडिकल रिलेटेड कोई भी और डाउट हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपके सभी डाउट मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर करूँगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि 8 घंटे पढ़ें और पढ़ने वाली जो वीडियो है, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो है, CRM की क्लासेस चल रही हैं, उसको पूरी तरीके से कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अच्छी प्रिपरेशन करें। जो आज से ही प्रिपरेशन कर रहा है उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो 1 महीने बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उसके चांसेस कम हैं। तो आप लोग आज से ही प्रिपरेशन करिए, कोई डिमोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिलेक्शन आखिरी गोल, सिलेक्शन जिस दिन वो गोल रखोगे आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरी कामना है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।